आज सदन में भी जबरदस्त हंगामे की स्थिति बनी। अमरावती से बीजेपी के सांसद नवनीत राणा ने जिस अंदाज में सवाल खड़े किया महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, देखिए। वसूली का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन बाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन बाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन बाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, दो मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है, और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए चौधरी साहब, आप प्रारंभ कीजिए। बोलो बोलो सभापति। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के, और आइए आपको सुनवाते हैं पूनम महाजन ने सदन में क्या कहा। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे, 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृहमंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृहमंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है।